नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। अफराद सेहत के साथ मैं हूँ रश दुगारे। सिनेमा हॉल में फिल्म देखने से पहले अक्सर आपने विज्ञापन देखा होगा कि तंबाकू और पान मसाला खाने से आपको मुंह का कैंसर हो सकता है, लेकिन कोई भी विज्ञापन आपको ये नहीं बताता कि क्या लक्षण दिखे तो आप सतर्क हो जाए, जिसकी वजह से कैंसर होने की नौबत ही ना आ पाए। तंबाकू में निकोटीन और टार जैसे हानिकारक तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर की वजह बनते हैं। यही नहीं, तंबाकू और पान मसाले से ज्यादा सुपारी सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। सुपारी में सबसे ज्यादा कैंसर कारक तत्व एरिकेजाइन होता है, और आपको बता दें कि एरिक्लाइन एसिड होता है जिसकी वजह से ओरल कैंसर होता है, और कैंसर होने से पहले भी आपका शरीर आपको कई तरह के लक्षण दिखाने लगता है, जिसकी वजह से समय रहते हुए इसको समझना बेहद जरूरी हो जाता है। इसे पोटेंशियली मैलिग्नेंट ओरल कैंसर डिसऑर्डर भी कहा जाता है, और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे अपने खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में। और इसी बेहद ही खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भाभा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस में ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर सिद्धार्थ। डॉक्टर सिद्धार्थ, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और हम अपने दर्शकों को इस बीच सबसे पहले ये जानकारी दे दें कि इस वक्त आप अपने टेलीविजन सेट पर जो टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन टेलीफोन नंबर पर हमें कॉल कीजिए। डॉक्टर सिद्धार्थ इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है, जो आपको बताएंगे कि आखिर ये जो ओरल कैंसर जो होता है, इस कैंसर से जुड़ी हुई क्या कुछ तमाम बीमारियां हैं, कैसे ये इसके सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, तमाम विषयों पर वो आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर सिद्धार्थ, जिस तरह से कहा जाता है कि लोग खैनी, गुटखा, पान मसाला खाते हैं, और वैधानिक चेतावनी भी हर एक फिल्म के पहले भी हमें मिल जाती है, और हर एक सीरियल के पहले भी मिल जाती है, लेकिन और जो भी जो तंबाकू, सिगरेट, इन सारी चीजों का सेवन भी करते हैं, वो उन तमाम चीजों पे लिखा हुआ रहता है कि इसको खाने से ये संबंधित रोग हो सकता है, लेकिन लोग सिर्फ चेतावनी है पड़ा आया गया टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। डॉक्टर, क्या वाकई में टेकन फॉर ग्रांटेड लेना चाहिए इन सभी चीजों को? मैडम, सबसे पहले तो तंबाकू का अगर आप इतिहास देखें तो ये तकरीबन 1700 ईस्वी पूर्व भारत में सर्वप्रथम इसका निर्यात प्रारंभ किया गया था। पुर्तगाल से कहा जाता है कि ये तंबाकू जो है हिंदुस्तान में आया। तंबाकू के बहुत सारे प्रकार होते हैं, कुछ होते हैं जो धुआं जनित होते हैं, कुछ होते हैं जो धुआं रहित होते हैं। हमारे यहाँ मुख्यतः लोग जो है वो धुआं रहित और धुआं जनित जो होते हैं दोनों का उपयोग करते हैं। सिगरेट है, गुटखा है, बीड़ी है, खैनी है, विभिन्न प्रकार के उत्पाद जो है हमारे यहाँ प्रचुरता से उसका सेवन किया जाता है। आप जब बाजार में निकलेंगे, आप तमाम दुकानों पे देखेंगे, चेतावनियां लिखी रहती है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इनका सेवन नहीं करना चाहिए। दुकानों में यह भी लिखा होता है कि इन्हें बेचना भी नहीं चाहिए, फिर भी बच्चे जाते हैं, उसे खरीदते हैं। दुकानदार भी उन्हें हतोत्साहित करने के बजाय प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं, आप लीजिए। भारत एक विराट सांस्कृतिक चेतना वाला देश है, और आज की जो युवा पीढ़ी है, अगर यही आपकी लक्षणों के शिकार हो जाएंगी तो आप एक बेहतर भविष्य की कैसी कल्पना कर पाएंगे? बिल्कुल। नशे में अक्रांत और कुंठित प्रतिभाएं किसी भी देश का हित कैसे साध सकती? कहा भी गया, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक पीढ़ी जल रही है, एक पीढ़ी बुझ रही है, एक पीढ़ी और है जो गर्भ में ही पल रही है, इन विसंगत पीढ़ियों को कौन सा परिवेश देंगे, देश सौंपेंगे इन्हें हम या कि बस उपदेश देंगे? तो उपदेश तो हम देते हैं, लेकिन ये तो उनके विवेक पर निर्भर करता है ना कि वो हमारे उपदेशों को कितने आत्मीयता के साथ आत्मसात करते हैं। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है, आपकी जवान पीढ़ी इसके चलते आपके हाथों से निकल रही है, तो किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी संकट की, एक आपदा की परिस्थिति है जिससे आपको पूर्णता के साथ जूझना होगा। तो आप इन चेतावनियों को निसंदेह नजरअंदाज नहीं कर सकते, आपको इनको आत्मसात करने की जरूरत है। आप जितना इन सब चीजों को अपने जीवन से दूर ले जाएंगे, आपका जीवन, आपका समाज, आपका राष्ट्र उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। जी, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है डॉक्टर सिद्धार्थ कि मतलब जिनके जो पेरेंट्स हैं वो हैबिचुअल हैं गुटखा, तंबाकू, गुटखा हो गया, खैनी हो गया, इन चीजों की। जब कभी कभार उनके किसी बच्चे को मतलब अगर दांतों में दर्द हो जाता है, कुछ होता है, तो वो कहते हैं कि तंबाकू दबा दो, दर्द ठीक हो जाएगा। एक ये मिथ भी है
क्या वाकई में मतलब तंबाकू मुंह में दबा देने से क्या दांत का दर्द ठीक हो जाता है, और जिसकी वजह से देखा जाता है कि बच्चों में ही पेरेंट्स के जरिए ही ये आदत लग जाती है। मैम, इस बात से पूर्णता से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि तंबाकू में जैसे आपने बताया भी इंट्रोडक्शन के दौरान कि निकोटीन एक सब्सटेंस होता है जो पाया जाता है, तो निकोटीन का जब यूज किया जाने लगा था पूरे विश्व में तो कुछ तो एक इनका यूज धार्मिक अनुष्ठानों में होता था, क्योंकि इनसे सुगंध निकलती है जो पूरे वातावरण को कहते हैं कि डिसइंफेक्ट कर देती है। निकोटीन अगर बहुत छोटी मात्रा में शरीर में दिया जाए तो निसंदेह यह औषधि का काम करती है, लेकिन कोई भी चीज अगर प्रचुरता में इस्तेमाल करने लगने हम तो वो वही हो जाए, पॉजिटिविटी उसकी निगेटिविटी में बढ़ जाती है, जो उसका सकारात्मक पक्ष है वो बिल्कुल नकारात्मक हो जाता है। तो छोटे मात्रा में अगर आप इस्तेमाल करें, बहुत सारी मेडिसिन है जिसमें निकोटीन मिलता है, लेकिन अगर इसी का प्रचुरता में इस्तेमाल करने लगे, अपने जीवन में इसको एक आदत के रूप में धारण कर ले, तो कोई भी आदत जो है जीवन में वो आपको गलत दिशा में ले जाती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर सिद्धार्थ, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट से होने वाले जो मुंह से संबंधित जितने भी जो कैंसर है वो कौन कौन से होते हैं और कैसे इनका निदान हो सकता है? मैम, जैसा आप अभी कोरोना के समय भी देख रही हैं, ऐसे भी अगर आप संपूर्ण मानव जाति के इतिहास को देखें तो ईश्वरीय शक्ति कहीं ना कहीं होती है। आप जितने भी रोकना चाहूंगी इस वक्त डॉक्टर सिद्धार्थ है, दांतों उबाले हैं, दर्शक हैं, अहमदनगर महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उबाले साहब, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। उबाले जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ मैडम जी। उबाले जी, स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। नमस्ते सर। नमस्कार उबाले। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से मैं दादा उबाले बात कर रहा हूँ। कैसे है वहाँ के हालात उबाले जी? महाराष्ट्र तो बहुत ज्यादा कोरोना से प्रभावित क्षेत्र है आपका। हाँ सर, थोड़ा सा बढ़ गया है कोरोना का संक्रमण। जी जी, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जल्द आप लोग सब इससे उभरे सर। हाँ सर, महाराष्ट्र सरकार भी पूरी तरह से अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। जी 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 सर, मेरा सवाल ऐसा है कि मुंह का कैंसर होने के बाद, उसके ऊपर पूरा इलाज करने के बाद मुंह का कैंसर पूरी तरह से ठीक हो सकता है या नहीं, इसके बारे में बताइए सर। कैंसर के बहुत सारे स्टेज होते हैं उबाले जी। प्रथम स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, स्टेज फोर, ये आपका जो इलाज है इस पर निर्भर करता है कि किस स्टेज में आपके कैंसर को डायग्नोस किया गया है और उसका किस मात्रा में इलाज किया गया है। जो अगर कैंसर आपका डायग्नोस हो जाता है तो जनरली तीन तरह के जो उसके मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होते हैं। शायद कॉल डिस्कनेक्ट जी, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, अब बात पूरी की है। जी जी, तो मैं ये बता रहा था कि ईश्वरीय शक्ति होती है मैम। तो आपके शरीर में अगर कैंसर होने वाला होता है तो बहुत सारे शरीर में चेंजेस आते हैं। अगर आप उस चेंजेस को सकारात्मक रूप में लें और जैसे आपको लगे कि ये चेंजेस आने वाले हैं, आप डॉक्टर के पास जाएं, आप डेंटिस्ट को दिखाएं या फिर जो भी मुख से संबंधित आपके पास सलाहकार है उनसे आप मिलें तो आपको बताएंगे। बहुत सारे कैंसर्स होते हैं जिन्हें हम प्री मेलिग्नेंट लीजन और कंडीशन कहते हैं, जैसे ओरल ल्यूकोप्लेकिया होता है, जो मेडिकल टर्म में मैं बता रहा हूँ, ओरल ल्यूकोप्लेकिया है, ओरल लाइकन प्लैनस है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के तंबाकू और तंबाकू जनित पदार्थों का उपयोग करने से ये आपके शरीर में होते हैं। तो इनके दौरान कुछ चेंजेस मुंह में आते हैं, जैसे अगर हम मुंह के अंदर की बात करें तो आपको एक छाला बन जाएगा, जो छाला बहुत दिनों तक रहेगा, बहुत सारी आप दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे लेकिन फिर भी वो छाला जो है वो इसी तरह बना रहेगा, वो जाएगा नहीं। तो एक लॉन्ग स्टैंडिंग जिसे कहते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग अगर छाला आपके मुंह में है, या अगर आपके मुंह में जलन हो रही है, मिर्च मसाला अगर आप खा रहे हैं आपके मुंह में बहुत तेज जलन हो रही है, या आपका मुंह जो है वो खुल नहीं पा रहा है, या फिर आपके मुंह में बहुत ज्यादा तेज दर्द है, आप कोई भी अगर पदार्थ ग्रहण कर रही है तो आपको उसको निगलने में परेशानी हो रही है, तो ये सब कुछ सामान्य से लक्षण है कैंसर के। अगर ऐसी कुछ आपके शरीर में घटनाएं घटती हैं तो आपको तुरंत जाके अपने डेंटिस्ट से, जो भी आपके चिकित्सीय परामर्शदाता है, आपको उनसे संपर्क करना चाहिए और फिर वो आपको बताएंगे कि नहीं, ये जो स्टेज है ये कैंसर का है, या प्री मैलिग्नेंट लीजन कंडीशन, आपके मुंह में सफेद दाग हो गया है, तो ओरल ल्यूकोप्लेकिया है, या अगर आपके ज्यादा आपको मुंह खोलने में दिक्कत हो रही है तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, ये सब कैंसर के पहले के स्टेजेस हैं। अगर इस समय आपका कैंसर डायग्नोस हो गया या आपको बता दिया गया कि नहीं, अब जो आप जो हानिकारक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं आप उसे रोक दीजिए, तो निसंदेह ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, और अगर आपको वहीं पे रोक दिया गया तो भविष्य में किसी भी प्रकार के कैंसर की संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाएगी। तो आपका पूर्णता से ये डिपेंड करता है आपके चिकित्सक के ऊपर कि आप उसके पास कब जाते हैं दिखाने के लिए, और वो जो आपको उपाय बताते हैं उसका कितना अक्षरशः वो अपने जीवन में पालन करते हैं, तो ये आपके लिए, आपके समाज के लिए, सबके लिए एक सकारात्मक फोर्स देगा आपको मैडम। बिल्कुल। डॉक्टर सिद्धार्थ, जिस तरह से अगर हम एक कॉमन मैन की बात करते हैं तो उसके सिनेरियो से अगर हम बात करें, उसके रिगार्ड से अगर हम बात करें,
तो जो मुंह में जो कैंसर आपने बताया, उसके लक्षण आपने बताए, मतलब किस स्टेज में ये सबसे ज्यादा हार्मफुल हो जाता है और किस स्टेज तक ये क्योर रहता है, कि क्योरेबल रहता है कि नहीं, हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे, इसमें आपको कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी थेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी हम मेडिसिन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, दे रहे हैं, उनसे ही इसको खत्म किया जा सकता है। मैम, प्रथम स्टेज 1, स्टेज 2 के अगर कैंसर्स होते हैं तो उसमें तो जनरली हम क्या करते हैं कि सर्जरी सबसे अच्छा प्रोटोकॉल है किसी भी कैंसर ट्रीटमेंट को ट्रीट करने का। उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेज होते हैं, डिपेंड करता है कि आपका कैंसर कहाँ का है। बहुत सारे कैंसर मुंह के अंदर होते हैं, बकल म्यूकोसा का कैंसर होता है, लिप का कैंसर होता है, फ्लोर ऑफ द माउथ में होता है, पैलेट में होता है। तो बकल म्यूकोसा का कैंसर इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन है। पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर जो है ब्रेस्ट कैंसर है, जो महिलाओं में होता है। उसके बाद सर्वाइकल कैंसर है, जो भी भारत में बहुत मात्रा में पाया जाता है, और उसके बाद फिर ओरल कैंसर का नंबर आता है। ओरल कैंसर में भी मुख के अंदर बहुत सारे जो भाग होते हैं उसमें बकल म्यूकोसा जो होता है उसका कैंसर सबसे ज्यादा सामान्य रूप से हम भारतीयों में दिखता है, क्योंकि हमें खैनी चबाने की आदत हो जो होती है भारतीयों में, तो वो खैनी है या गुटखा है तो वो कैविटी में वहीं पे रखते हैं, तो वो ज्यादा प्रोन होता है कैंसर के विकास के लिए। तो हम सर्जरी के दौरान क्या करते हैं कि उस भाग को और उसके आसपास के एरिया के और ज्यादा भाग को जो कि स्वस्थ भाग है उसको काट के हम वहां से निकाल देते हैं। और उसके करने के बाद फिर एक रेडियोथेरेपी की प्रक्रिया होती है, जिस रेडियोथेरेपी से हम जो कैंसर कारक उसके सेल्स हैं उसको हम मार देते हैं। और अगर बहुत एडवांस स्टेज का कैंसर है तब हम कीमोथेरेपी में जाते हैं, जो दवाइयों के द्वारा जो है आपको दवाइयां प्रोवाइड दी जाती हैं शरीर के अंदर, जिससे आपका कैंसर जो है समाप्त हो जाता है। तो अगर आप शुरुआती स्तर में अगर कैंसर पकड़ में आ गया तो उसके तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको फिर जीवन में मुड़ के नहीं देखना है, आप स्वस्थ रहेंगे। और लेकिन हाँ, सब कुछ आपके विवेक और बुद्धि पर निर्भर करता है कि सर्जरी के बाद भी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जो बुरी आदतें हैं जिनके चलते आपके अंदर कैंसर हुआ है वो पुनः आप उसका उपयोग अपने जीवन में न करने लगे। बिल्कुल, जिस तरह से भी आपने कीमोथेरेपी का जिक्र किया, मैंने कई लोगों को देखा है, कई ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जब वो कीमोथेरेपी करवाते हैं तो जिस पर्टिकुलर सर्किल में उनकी कीमोथेरेपी होती है वो जो पार्ट रहता है बॉडी का वो ब्लैक हो जाता है। तो इसके पीछे की क्या वजह है और ऐसा होता है तो फिर क्यों होता है? मैम, कीमोथेरेपी में जो दवाएं दी जाती हैं, कोई भी दवा अगर आप शरीर में देती हैं तो उसके शरीर में एडवर्स इफेक्ट डेवलप होते हैं। तो उसमें जैसे आप कैंसर के पेशेंट्स में देखेंगे जो कीमोथेरेपी पे, तो उनके बाल झड़ जाते हैं, उनके मुंह में जो है स्वाद की ग्रंथियां होती हैं, जो सलाइवा होती है वो कम हो जाती है, उसमें जो मुख के अंदर सलाइवा होती है उनका सिक्रीशन बहुत लिमिटेड मात्रा में होने लगता है। तो ये सब बदलाव जो है कीमोथेरेपी के दौरान आते हैं। आप जैसा बोल रहे हैं कि हल्के ब्लैक हो जाते हैं, तो शरीर में एक पिगमेंट होता है मेलानिन, तो कीमोथेरेपी के दौरान उनका सिक्रीशन बॉडी में ज्यादा होने लगता है, तो फिर वो मेलानिन पिगमेंट अगर ज्यादा सिक्रीट होते हैं तो ब्लैकिश कलर हो जाता है। लेकिन जैसे ही कीमोथेरेपी विड्रॉ होती है, जब उनका ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है और कीमोथेरेपी एक बार टोटल स्टेजेज होने के बाद और पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया था, तो फिर वो वापस अपने नेचुरल पोजीशन में आने लगते हैं। आपके शरीर के बाल भी आ जाएंगे, आपके जो सलाइवा है उनका सिक्रेशन भी प्रॉपर वे में होने लगेगा, जो आपके मुंह के अंदर स्वाद की ग्रंथियां समाप्त हो चुकी हैं वो भी फिर से डेवलप होने लगेंगी और शरीर भी आपका फिर से वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। अच्छा, ये हम अभी तक हम जिक्र कर रहे थे कि जो लोग खैनी, तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो सौंफ भी नहीं खाते हैं लेकिन फिर भी उनको मुंह का कैंसर हो जाता है, इसके पीछे की क्या वजह बताई जाती है? क्योंकि मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है कि किसी को टंग का कैंसर हो गया है, किसी को मुंह का कैंसर हुआ है, तो फिर जो मतलब धूम्रपान या इस तरह की जो जो हानिकारक पदार्थ जो उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा उसको भी कैंसर हो रहा है। ये सच्चाई है कि सिगरेट, खैनी, गुटखा, तंबाकू इनका जो सेवन करते हैं उनमें कैंसर होने की संभावनाएं आम स्वस्थ लोगों के दरमियान ज्यादा होती है। वो ज्यादा प्रोन होते हैं क्योंकि ये सारे इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं कैंसर काउज करते हैं। इसके अलावा कुछ वायरसेस भी होते हैं मैडम जो शरीर में कैंसर काउज करते हैं, जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। HPV की अगर टेंडेंसी किसी बॉडी में, किसी व्यक्ति के बॉडी में बढ़ गई है तो उसके ज्यादा चांसेस होते हैं कैंसर होने के। एक रिवर्स स्मोकिंग भी आप सुने होंगे, या फिर अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति अगर सिगरेट पी रहा है और उसका धुआं भी अगर आप इनहेल कर रहे हैं तो ये भी आपके शरीर में कैंसर उत्पन्न करने का कारण हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड के पार्टिकल्स हैं या केमिकल्स जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, आर्सेनिक है, बहुत ज्यादा लोग जो घड़ी की फैक्ट्री में काम करते हैं, रेडियम के टच में रहते हैं, कोयले के खदानों में काम करने वाले, इन सब जो केमिकल्स होते हैं इनसे भी शरीर में कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। तो ये इससे बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि उसी व्यक्ति के अंदर कैंसर होगा जो सिगरेट या तंबाकू का सेवन कर सकते हैं। एक स्वस्थ लाइफस्टाइल, एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट,
ये सभी फैक्टर्स हैं जो आपके शरीर में इन कैंसर को होने वाली कोशिकाओं को सुदृढ़ करते हैं और आपको इन सब चीजों से दूर ले जाते हैं। तो आपका स्वस्थ खान पान होना चाहिए, आपका परिवेश अच्छा होना चाहिए, आपका वातावरण अच्छा होना चाहिए, इन सभी का भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। और अगर हम आज के परिदृश्य की बात करते हैं तो इन आदतों का कोरोना वायरस के साथ कोई संबंध है क्या? मैम बिल्कुल सीधा संबंध है। अल्कोहल और स्मोकिंग, इनके तो अभी तक जितने भी शोध हुए हैं, ये नया वायरस है, अभी तुरंत दुनिया में आया है, तो बहुत ज्यादा शोध पत्र तो इसमें प्रकाशित नहीं हुए हैं, लेकिन अभी तक के हिसाब से जो भी जानकारी संपूर्ण विश्व को प्राप्त है उसमें तो इनका सीधा संबंध है। स्मोकिंग जो है वो सीधे रूप से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। जैसा आप जानते हैं कि COVID-19 या कोरोना वायरस जो है, एक कॉलर हमारे साथ आशीष जी हैं सीहोर से, फोन लाइन पर जुड़े। आशीष जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। सर मैं पूछना चाहूंगा जो कि पान मसाले सर जो होते हैं जैसे कि खैनी राजश्री वगैरह जो प्रोडक्ट बनते हैं और एक वो दूसरे तरह का गुटखा होता है जो कि तंबाकू वाला होता है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है सर और मतलब कौन से ज्यादा खतरनाक होता है? खतरनाक तो देखिए सर दोनों ही होते हैं, चाहे इसमें तंबाकू मिला हो या तंबाकू न मिला हो, लेकिन हाँ इसके कैंसर होने के डेवलप जो कैंसर डेवलपमेंट होता है उसमें वो दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर आप बिना तंबाकू वाला सेवन कर रहे हैं तो जान सामान्य रूप से कोई भी अगर आप गुटखा अगर खाते हैं तो उसमें बीटल नट जिसको हम सुपारी बोलते हैं, सुपारी जो है वो एक कॉजेटिव एजेंट है कैंसर काउज करने का। सुपारी में एक प्रोडक्ट होता है एरिकोलीन जिससे डेवलप होता है फाइब्रोसिस मुंह के अंदर। जब सामान्यतः आप देखेंगे गुटखा खाने वाले लोगों को एक कालांतर के बाद उसमें मुंह खुलने की क्षमता जो होती है बहुत लिमिटेड हो जाती है, वो ज्यादा अपना मुंह नहीं खोल पाते, तो ये जो होता है वो बीटल नट के चलते होता है। तो सुपारी जो है वो मुख्य कॉजेटिव एजेंट है किसी भी कैंसर को डेवलप करने का। तो उसमें गुटखा मतलब तंबाकू हो या न हो वो एक ही बराबर रूप से शरीर में हानिकारक है, क्योंकि इन सब में जो है सुपारी होती ही है। तो सुपारी अगर आप खा रहे हैं तो बिल्कुल रूप से आपके अंदर सामान्य लोगों से अपेक्षा ज्यादा संभावनाएं रहती हैं कैंसर डेवलप होने की सर। तो आशीष जी जाहिर सी बात है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, चीजें हानिकारक हैं, इनसे जितना दूर रहा जाए वो ही बेहतर है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े कॉल करने के लिए। डॉक्टर सिद्धार्थ, अभी बहुत कॉमन चीज है जब हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है तो रिफ्रेशमेंट के लिए हम सॉफ्ट सुपारी उसको सर्व कर ही देते हैं कि ठीक है आफ्टर मील, तो जिक्र हम सुपारी का ही कर रहे हैं, आपने भी बताया कि सबसे हार्मफुल है, उसके बाद भी लोग ले रहे हैं, कर्सी में एक दूसरे को दे भी रहे हैं। मैम जब तक कोई भी चीज आदत न बन जाए ना तब तक वो उतनी हानिकारक नहीं होती। अगर मैं आपके घर गया या आप मेरे घर आई, मैंने आपको सुपारी दे दी या फिर सौंफ दे दी, आपने उसे खा लिया, तो ऐसा नहीं कि आप दो बार चार बार खाएंगे और कैंसर हो जाएगा। जब तक इसका आप यूज लॉन्ग स्टैंडिंग टर्म में नहीं करेंगे, लगातार आप खा रही हैं सुबह से लेकर शाम तक आपके मुंह के अंदर सुपारी अंदर दबी हुई है और आप खा रही हैं, आप सालों तक खा रही हैं, वर्षों तक खा रही हैं, महीनों तक खा रही हैं, तब इन चीजों की संभावनाएं जो है शरीर में बढ़ जाती है। ठीक है, एक कॉलर जुड़ गए हैं इस वक्त विदिशा से हमारे साथ फोन लाइन पर, विवेक है। विवेक जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। समीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं विदिशा से, समीर जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। सर मुझे छाले बहुत होते हैं मुंह में जी, क्या पेट की खराबी कारण होते हैं, किस कारण से होते हैं, दर्द करते हैं छाले बहुत और कभी भी हो जाते हैं जी? आप जिन छालों की बात कर रहे हैं लगातार जो होते हैं उसको एप्थस स्टोमेटाइटिस कहते हैं सर। वो अगर आप स्ट्रेस के अंदर हैं या फिर आपके शरीर में विटामिन की कमी है या फिर अगर आप ज्यादा मात्रा में अगर सिगरेट वगैरह लेते हैं तो उससे भी ये जो है छाले होते हैं। ये छाले अगर लगातार हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं और पुनः शरीर के अंदर हो रहे हैं तो इनका कैंसर से संबंध नहीं है, ये एक सामान्य रूप से एक एप्थस स्टोमेटाइटिस बोलते हैं मुंह के छाले। तो आप या तो विटामिन का एक अच्छा सा कोर्स कर लीजिए, बहुत सारे विटामिन की टेबलेट्स है मार्केट में, आप विटामिन का कोर्स कर लीजिए, एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स हैं जो इन छालों को ट्रीट करने में बहुत अच्छा इफेक्टिव ड्रग्स हैं, आप उनका ट्रीटमेंट ले सकती हैं। पेट की खराबी से जैसा कि आपने बताया उससे भी छाले हो सकते हैं, अगर गैस बन रही है, खट्टी ढकारे वगैरह आ रही है, मुंह के अंदर जो जहरीला पानी जिसे बोलते हैं एसिड का सिक्रीशन अगर ज्यादा होता है वो मुंह के अंदर अगर आता है तो उससे भी छाले हो सकते हैं। तो इन सब छोटी छोटी चीजें आप इनको निदान आप कर सकते हैं। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ के विश्वनाथ हैं, वो कॉलर हैं नागपुर से, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। विश्वनाथ जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। मैडम मेरा सवाल ये था कि हमारा जो आगे का दांत है नीचे वाला उसके आगे मसले में लाल जैसा स्पॉट दिखा था मुझे, तो मैं डॉक्टर से सलाह लिया तो उन्होंने RCT करने के लिए बोला जबकि दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या वो सही है कराना या
आगे कुछ और डेवलप होने का चांसेस है, ऐसा कुछ है क्या? सर आरसीटी जो होती है उसे रूट केनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। सामान्यतः यह दांतों की नसों का इलाज जो है उनकी नसों के द्वारा किया जाता है। तो आरसीटी का इस ओरल कैंसर वगैरह से कोई संबंध नहीं है। अगर दांतों में कोई सामान्य भाषा में अगर बोले कीड़ा लग गया है और उसमें गड्ढा हो गया है और वो अगर बहुत दूर तक अंदर आपके जिंजाइवा में इन्वेट करते हुए अंदर हड्डियों तक चला गया है, तो अगर आपको चिकित्सीय सलाह ये दी गई है कि आप आरसीटी के लिए जाइए, तो आपको आरसीटी के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वो दांत आपका फिर बच जाएगा। अगर आपने आगे का दांत है, आपने आरसीटी नहीं कराई और कि अगर ज़्यादा बढ़ता गया तो हड्डियों में मवाद हो जाएगा और फिर इन्फेक्शन इतना बढ़ जाएगा कि आपके उस दांत को निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको आरसीटी की सलाह दी गई है तो आपको आरसीटी के लिए जाना चाहिए, इससे कोई हानि नहीं है। ये तो एक अच्छी चीज़ है, आगे आपको फायदा ही होगा इस आरसीटी से। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए विश्वनाथ जी। डॉक्टर सिद्धार्थ, क्या कोरोना वायरस इसके जो सिम्टम्स हैं क्या वो मुंह से भी दिखते हैं? क्या कुछ ऐसा इंडिकेशन मिलता है कि हाँ मुंह से पता चल जाए कि कोरोना के सिम्टम्स हैं? बहुत ज़्यादा शोध तो इस मामले में अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कोविड 19 चीन के वुहान से फैला है, तो वुहान में 2-4-5 ऐसे केस रिकॉर्ड किए गए हैं जिसमें पेशेंट ने बताया है कि उनके बकल म्यूकोसा पे एक एरिथेमेटस पैच डेवलप हो गया था जो बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते छाले का रूप ले लिया और नॉन हीलिंग रहा। मतलब लगातार 6-7-8 दिन तक वो छाला जो है उसका आकार बढ़ता गया और बहुत सारी दवाएं कराने पर भी वो ठीक नहीं हुआ। इसके अलावा उस पेशेंट ने अपने अंदर फीवर भी डेवलप करी थी जिसको जनरलाइज स्टेट ऑफ वीकनेस कहते हैं, उसमें मलेज भी डेवलप हो गई थी। तो उसको छाले के चलते वो जब अपने डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने उसका कोविड टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आई। ऐसे 3-4 केस जो है वुहान में रिकॉर्ड किए गए हैं। तो अभी तो इसके क्लिनिकल फीचर्स बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे शोध आने बाकी हैं। जब तक शोध होकर पूर्णतः रूप से प्रकाशित नहीं हो जाए तब तक इस बात में टिप्पणी करना बहुत जल्दी होगी, लेकिन हाँ इनका संबंध है जी। तो क्या इस वक्त जितने भी जो मुंह से संबंधित जो भी इलाज हैं क्या वो संभव है? और अगर वो संभव है तो किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, क्या कुछ प्रिकॉशंस लेना चाहिए? अगर आपके अंदर मुंह की समस्या ज्यादा गंभीर हो चुकी है कि आपको डॉक्टर को दिखाना ही है, तो डॉक्टर को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। और आप अगर किसी डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जा रही हैं तो आपको भी एहतियात बरतने की जरूरत है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जा रही हैं तो आप अपने आप में यह सुनिश्चित कर लें कि आप जैसे घड़ी है, पर्स है, जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो ज्वेलरीज हैं, आप उनको पहन के डॉक्टर के पास न जाएं, उनको घर पे ही उतार दें। जब आप किसी क्लिनिक में जा रही हैं तो आप ये भी सुनिश्चित कर लें कि वॉशरूम वगैरह आप घर में ही कर लें, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक वॉशरूम होता है तो उसको भी अवॉइड करना है, वहाँ आपको नहीं जाना किसी भी क्लिनिक पे। एंटीसेप्टिक नाशे के साथ रोकना चाहूंगी। सलमान है, एक और कॉलर है जबलपुर से, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। सलमान जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। नमस्कार। एक्चुअली जिस तरह से मसूड़ में सड़न या फिर किसी प्रकार का कोई बात पड़ता है तो वो कैंसर का कारण बन सकता है क्या? नहीं, मवाद कोई संबंध कैंसर के साथ नहीं है। मवाद तो एक इनिशियल स्टेज होती है। अगर आपके दांतों में कोई कैविटी बन गई है, उसके थ्रू इन्फेक्शन हो गया है और फिर अगर मवाद आ रहा है तो सामान्य रूप से आप किसी डेंटिस्ट के पास जाएंगे और उनका एक्सरे लेंगे और फिर बता देंगे कि नहीं ये मवाद है। लेकिन हाँ, अगर मवाद लगातार आपके मुंह से आ रहा है, बहुत लंबे समय तक आ रहा है, दुर्गंध मुंह से आ रही है, उसके साथ साथ खून का रिसाव भी हो रहा है, तो आपको एक सलाह की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके अंदर प्री मेलिग्नेंट लीजन या कंडीशंस कैंसर के अकॉर्डिंगली डेवलप हो रहे हो, तो आपको तुरंत चिकित्सीय सलाह की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया सलमान जी हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर सिद्धार्थ जी, हम कार्यक्रम के अब बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं। किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्या करें क्या ना करें जिससे एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिया जा सके और ये जो बीमारियां जो होती हैं उनसे बचा जा सके? आप किसी भी बीमारी के एक्सेप्ट में देखिए तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो आप बैक्टीरिया है, वायरस है, जब आपके शरीर के अंदर आते हैं तो आपके शरीर के अंदर भी अस्त्र शस्त्र मौजूद है जो उसका मुकाबला करने के लिए तत्पर रहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें अपने शरीर में नहीं घुसने दूंगा। तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी मजबूत होगी आप किसी भी बीमारी का उतनी ही तत्परता के साथ मुकाबला कर पाएंगे। तो आपको आज के कोरोना के समय में, जो कि बिल्कुल ही अभूतपूर्व, अभूतपूर्व, अदृष्टपूर्व स्थिति है, इसके दरमियान भी आप देखिए तो आपकी इम्यून सिस्टम जो शरीर का है वो पूरा मजबूत होना चाहिए। आप विटामिन सी का सेवन करें, आप विटामिन डी का सेवन करें, जो भी हरी सब्जियां हैं, फल हैं, टमाटर है, टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत करते हैं। आप टमाटर, हरी सब्जियां, पालक, सोयाबीन, इन सब चीजों का प्रोटीन रिच डाइट लें जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो मजबूत हो।
विटामिन की आप टेबलेट्स जो आजकल आ रही हैं वो ले सकते हैं। आयुर्वेद आयुष मंत्रालय भारत सरकार का बहुत तत्पर है आज के समय में। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी भी साइट पे जाएंगे तो आपको सलाह दी जाएगी कि आप घर में बना हुआ काढ़ा पिए। काढ़ा पीने से भी शरीर के अंदर बहुत ज्यादा रोग सिस्टम डेवलप होता है। एक और कॉलर जुड़ गए, एस आर मिश्रा है गाडरवाड़ा से। मिश्रा साहब बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। जी मिश्रा जी आवाज मिल रही है, सवाल कीजिए। मैं एस आर मिश्रा बोल रहा हूँ गाडरवाड़ा से। जी जी जी, क्या कभी खाना खाते समय गाल कट जाता है या आमतौर पर ऐसी दिक्कत होती है बार बार गाल कटता है, क्या उसके जख्म से भी कैंसर होने की संभावना बनी रहती है? अगर लगातार खाना खाने के बाद अगर आपका गाल कहीं पे कटता है और वो गाल अगर लगातार कटता रहा, जनरली ये होता है कि पीछे का मोलर जो आता है थर्ड मोलर उसमें थोड़ी शार्पनेस होती है तो बक्कल म्यूकोसा में इम्पिंस करता है, तो जिससे अगर लगातार वो कट रहा है तो फिर वही हो जाएगा नॉन हीलिंग लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सर। तो ये एक कॉजेटिव फैक्टर है, इससे मना नहीं किया सकता। सात डेंचर या सात टिथ जो है वो एक इटोलॉजिकल फैक्टर माने जाते हैं ओरल कैंसर में। तो अगर ऐसा लगातार हो रहा है तो आपको या तो दांत को निकलवा देना चाहिए या फिर सार पेज को कट करके स्मूथ कर लेना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर सिद्धार्थ कई बार ऐसा होता है जब ब्लीडिंग करते हैं, जब लाउडली बोलते हैं तो वाकई में गाल कट जाता है, टंग सामान्य समस्या है जी, टंग में भी मतलब थोड़ा बहुत कट आ जाता है तो दिक्कत होती है। और तो समटाइम ऐसा होता है कि उसी ड्यूरिंग मीन वाइल अगर आपको छाले हो जाते हैं तो वो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए। कोई भी चीजें अगर आपके शरीर में लंबे समय तक पड़ी बनी हुई हैं और वो किसी रोग का कारण है तो आपको बिल्कुल उसे हटाना ही पड़ेगा। कोई भी लॉन्ग स्टैंडिंग इटियोलॉजिकल फैक्टर आगे चल के किसी न किसी बड़ी बीमारी के कारक होते हैं। तो अगर ऐसा है तो दांत को निकलवा लीजिए या फिर इसके एजेस को आप ठीक करा लीजिए, तो ये बहुत सामान्य सी समस्या है, इसका निदान आसानी से हो जाएगा। मैडम बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिद्धार्थ, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे तमाम दर्शकों को दी, बहुत शुक्रिया। और स्वास्थ्य सेहत में आज मेरे साथ इतना ही, दीजिए स्वागत, नमस्कार।